हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एंड आज का जो वीडियो है, इट्स लाइक व्हाट आई ईट इन अ डे एंड इट्स जस्ट अ रैंडम व्लॉग। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर ऑल द विशेस एंड ऑल द ब्लेसिंग्स। मेरी जो लास्ट वीडियो था मेरे घर का, लाइक मेरे बर्थडे का, उसके ऊपर मुझे बहुत ब्लेसिंग वाले एंड बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स रिसीव हुए हैं। एंड मैं मतलब सारे कॉमेंट्स मैंने रीड करे हैं एंड पर्सनली मैंने काफ़ियों को यू नो रिस्पॉन्ड भी करने की कोशिश की है एंड मैंने काफ़ियों को किया भी है। बट जिन जिन का रह गया है गाइस, रियली रियली ईच एंड एवरी कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी। नाउ नेक्स्ट इज कि आफ्टर माय घर का फंक्शन एंड ऑल दी भाग दौड़, आई गेन्ड ऑलमोस्ट लाइक 3 and 4 kgs वेट मेरा गेन हुआ है। नॉट बिकॉज कि मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, एक्चुअली मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स आपके पास आते हैं एंड आपको मतलब सबको अटेंड करना ही होता है। एंड उस चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं खाया था उस दिन एंड मैंने रात को जस्ट अ खिचड़ी खाया। सो मेरा जो गेन हुआ है इट्स अ वाटर वेट एंड ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा है एंड उसके फंक्शन के बाद आई एम डाउन विद वेरी हैवी फीवर। सो अभी वहाँ से रिकवरी करेंगे। नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स, लाइक आई एम ऑन अ न्यू वेट लॉस जर्नी बिकॉज माई वेट इज़ लाइक 62 kg नाउ। आई गेन 3 or 4 kgs मेरे घर के फंक्शन एंड काम काज में एंड आई रियली वॉन्ट टू बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइज बिकॉज यू गाइज लाइक अ फैमिली फॉर मी। सो अब मेरा जो टारगेट रहेगा वेट का, मैं जाना चाहती हूँ 52 or 53 kgs से, वो भी 1 or 1.5 months के अंदर। सो अभी मैं जस्ट अपने आप को रिकवर कर रही हूँ, अपनी बॉडी को तैयार कर रही हूँ एक न्यू डाइट के लिए और लाइक वर्कआउट के लिए। बिकॉज सी, डाइट जो होता है वो आपका नंबर गिरता है स्केल पे, वेट लॉस करता है, बट इफ़ यू वांट अ प्रॉपर परफेक्ट शेप्ड बॉडी, टोन्ड बॉडी, सो उसके लिए आपको चाहिए जिमिंग, वो भी अच्छे लेवल का जिम, बहुत अच्छे लेवल का जिम। सो मुझे अब मतलब जितना मेरा था काम काज मैंने कर लिया, नाउ आई रियली वॉन्ट टू फोकस ऑन माई फिटनेस एंड माई बॉडी। जो मेरा वेट लॉस जर्नी था वो लॉट्स ऑफ कुछ बास्टर्ड लोगों के चक्कर में रह गया बीच में, बट नाउ आई रियली वॉन्ट टू पुश माई सेल्फ टू लाइक नए टारगेट्स के लिए। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी यू नो डिटॉक्स वाटर एवरी थिंग जो भी मेरा डाइट रहेगा उनका जो स्टोरीज है वो पोस्ट करती रहूँगी। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लॉट्स ऑफ वेट लॉस का यू नो जितने भी डिटॉक्स वाटर एंड एवरी थिंग होते हैं। एंड कम एंड ज्वाइन मी माई न्यू वेट लॉस जर्नी। आई रियली वॉन्ट अ लीन फिगर बिकॉज आफ्टर मूविंग टू माई हाउस एंड उस घर में बहुत ज़्यादा मिरर वर्क मैंने कराया है। दिस माई न्यू हाउस इज़ लाइक फुल विद मिरर। एक तो वॉल है जो पूरी मैंने मिरर का उस पर स्क्वायर मिरर मतलब मैंने वर्क कराया है। सो गाइज वहाँ पर जाके आई रियली वॉन्ट टू लॉन्च माई न्यू चैनल विच इज़ लाइक सुमन सनशाइन सीक्रेट्स। इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ स्टाइल का चैनल। उससे पहले आई रियली वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन अ वेरी गुड शेप एंड एकदम लीन सेक्सी सा फिगर। सो उसके लिए मुझे काफ़ी वर्क करना है एंड आई हैव ओनली 1 or 1.5 months। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी। बट उससे पहले आज जो है मैं अपने आप को थोड़ा सा डिटॉक्स करेंगे, थोड़ा सा खुद को ठीक करने की कोशिश करेंगे बिकॉज फीवर अभी भी है मुझे, ऑलमोस्ट लाइक 99.9 or 99.8 पे चल रहा है अभी, कल 100 क्रॉस हुआ था। सो अभी मैं थोड़ा सा खुद को ठीक करेंगे। मौसम आज बाहर बहुत अच्छा है, सो कुछ गर्म गर्म बना के खाते पीते हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट माई डे विद द ब्रेकफेस्ट। सो गाइज दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफेस्ट, लाइक 1 बेसन का चीला अलॉन्ग विद अ स्पून ऑफ अ घी, घिया की सब्जी एंड बिट ऑफ अचार बिकॉज मेडिसिन खा के मेरा मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत ही गंदा हो गया है। एंड दिस इज़ लाइक ऑल टाइम फेवरेट घिया सब्जी, बेसन चीला विद अ स्पून ऑफ अ घी। आई एम गोइंग टू टेक 1 more चीला एंड अ कप ऑफ मिल्क टी। ओके गाइज, सो आफ्टर ब्रेकफेस्ट आई एम गोइंग टू हैव दिस अजवाइन एंड सिनेमन ड्रिंक एंड ये मैं अभी बना रही हूँ एंड ये 1 cup जितना होगा पूरा, इसको हम बॉइल करेंगे। सो गाइज दिस इज़ माई अजवाइन एंड सिनेमन टी। सो गाइज दिस इज़ माई लंच, माई ग्रीन जूस एंड इसमें मैंने स्पिनच की 1 पूरी गुच्छी डाली है एंड 1 घिया, 2 करेला, 1 मौसम्बी एंड 1 apple, जिंजर एंड लेमन। सो या ओके गाइज, सो मैं बना रही हूँ टर्मरिक मिल्क बिकॉज मुझे बहुत तेज फीवर है। दिस इज़ अ मिल्क जो कि बॉइल्ड हो रहा है एंड हेयर आई हैव दिस सोक्ड आलमंड्स जो कि मैंने 8 से 10 चॉप्ड करे हैं, इसको मैं डाल दूंगी मिल्क में। एंड हेयर आई हैव टर्मरिक, हम निकालेंगे इतना टर्मरिक पाउडर
दूध में गया। ये है मेरा सौंफ और इलायची का पाउडर, ये भी मैं इतना ले रही हूँ, ये भी यहाँ पे गया। हेयर आई हैव सोक्ड किशमिश एंड ये मैं डालूंगी एटलीस्ट 8 से 10। ये भी गई, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको एक उबाला देंगे एंड इट्स रेडी। सो गाइस, दिस मिल्क इज एब्सोल्युटली रेडी एंड ये मिल्क बहुत ही अच्छा है अगर आपकी भी बॉडी टूटी हुई है तो।